स्टैंडर्ड 10 और चैप्टर 7। चैप्टर नंबर 7 कौन सा है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। रिस्पांस दो, कोई बात नहीं इसमें। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है हमें आज, चैप्टर नंबर 7। चलो बेसिक चीज़ सबसे पहले, अगर एज एग्जांपल मान लो कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई चीज़ चेंज हो रही है, कोई गर्म चीज़ मान लो हमारे हाथ पर टच होगी, या लाइट चेंज हुआ, गर्मी आ रही है, हीट, ठंडी आवाज़ है ना, तो ये सारी चीज़ हमारी बॉडी क्या करेगी, रिस्पांस देगी उसके सामने। यस, कुछ ना कुछ हमारी बॉडी उसके सामने रिस्पांस देती है, मतलब बॉडी रिएक्ट भी करेगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, साउंड, लाइट, हीट है ना, ये उससे क्या हो रहा है, बॉडी एकदम स्टिम्युलेट हो रही है और उससे हम क्या करेंगे, रिस्पांस भी देंगे, रिएक्ट भी करेंगे। तो ऐसे जो फैक्टर्स जिससे बॉडी क्या कर रही है, रिस्पांस दे रही है और रिएक्ट कर रही है, तो उसे हम बोलेंगे इट्स कॉल्ड द स्टिम्यूली। क्या है वो स्टिम्यूली? क्या है जिससे बॉडी क्या होगी, रिएक्ट करेगी, समझना स्टिम्यूली। तो स्टिम्यूली वन टाइप ऑफ दी क्या है, फैक्टर्स है जहाँ से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। तो कौन कौन से स्टिम्यूलस फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे हमारी बॉडी स्टिम्यूलेट हो रही है? तो लाइट है ना, लाइट के सामने बॉडी रिस्पॉन्स करेगी तो यस करनी है। देन हीट, देन कोल्ड, देन साउंड, तो ये सबके सामने हमारी बॉडी कोई ना कोई रिस्पॉन्स या रिएक्ट करेगी। सारे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट करते हैं, प्लांट भी रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट करेगी, ऐसा नहीं है कि प्लांट यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं करेगी। हाँ, प्लांट में जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत ही स्लो होगा हमारी कंपेयर में। कोई गर्म चीज़ मान लो हाथ पर लगी है तो हमारी बॉडी का रिएक्शन कितना फास्ट होगा, तो प्लांट में ऐसा नहीं होगा, उसका रिएक्शन इतना फास्ट नहीं होना। तो यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ना है हमें उसी से रिलेटेड पढ़ना है कि हमारी बॉडी का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है। तो पहले तो सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर कोई चेंज हो रहा है तो उसके सामने रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट करेंगे, जिससे हमारी बॉडी स्टिम्युलेट हो रही है या रिएक्ट या रिस्पॉन्स कर रही है, ऐसे फैक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, स्टिम्युली फैक्टर्स। लाइक ये सारे स्टिम्युली फैक्टर हो सकते हैं। ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सभी क्या करेंगे, रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट करते हैं। अब चलो उसके बाद, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हमारी बॉडी में हो रहा है उसके लिए कौन सा मैकेनिज्म है, हम ज़्यादातर एनिमल से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो हमारी बॉडी के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, मान लो मुझे हाथ ऊपर करना है तो ऐसे ही थोड़ी हाथ ऊपर हो गया होगा, कोई ना कोई चीज़ है जो कंट्रोल कर रही है, वरना हाथ ऐसे ही तुम्हारे घूमते रहते हैं, है ना। जब हम बोल रहे हैं तब भी ध्यान से बोल रहे हैं, थोड़ा सोच कर बोल रहे हैं कुछ ना कुछ, मतलब कोई ना कोई चीज़ है जो कंट्रोल कर रही है। तो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी कंट्रोल है, तो कंट्रोल करने के लिए क्या क्या है, तो दो सिस्टम काम कर रही है हमारी बॉडी में, जो पूरे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रही है। तो कौन कौन सी सिस्टम है बॉडी के अंदर, एक तो नर्वस सिस्टम ना, तो नर्वस सिस्टम काम करेगी हमारी बॉडी में, और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। तो अभी एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या इंक्लूड होंगे, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूड होगी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब जो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं ना, तो एंडोक्राइन सिस्टम कैसी सिस्टम है, हॉर्मोन्स रिलीज करेगा ना ये, तो हॉर्मोन्स मतलब कैसा कह सकते हैं हम इसे, इट्स कॉल्ड दी ऑल्सो कॉल्ड केमिकल कंट्रोल भी कह सकते हैं। यस, हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ, कई बार क्या होता है कोई स्टूडेंट्स के ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी का बहुत कम रह जाता है, तो उसमें हॉर्मोन्स जो है ना वो इफ़ेक्ट करते हैं। तुमने सुना होगा थायराइड है ना, किसी के अंदर थायराइड जो हो जाता है तो कई बार बॉडी बढ़ जाती है, कई बार बॉडी एकदम सूख जाती है उनकी, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हॉर्मोन्स। तो बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हॉर्मोन्स। लेकिन हाँ, हम हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं उसमें हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसमें क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, नर्वस सिस्टम।
तो नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है। अब दिख रही है तुम्हें क्या नर्वस सिस्टम? नो, तो नर्वस सिस्टम देख नहीं पाएंगे हम आसानी से। चलो नेक्स्ट, उसके बाद आगे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ही पढ़ना है हमें आगे। तो अब तो मतलब पूरा चैप्टर है ना दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो हमें नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है डिटेल में, और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। पूरी एंडोक्राइन ग्लैंड जो बॉडी में ना हमारे, इवन प्लांट के अंदर भी है, हार्मोन सीक्रेटिंग ग्लैंड जो होती है, हार्मोन जो, तो प्लांट के अंदर भी पढ़ेंगे, एनिमल्स के अंदर भी पढ़ेंगे हम। और नर्वस सिस्टम, प्लांट्स में होंगे नर्वस सिस्टम, तो प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता, तो नर्वस सिस्टम हम अपनी बात करेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर। चलो अब नर्वस सिस्टम्स, उसके बाद रिसेप्टर्स। चलो रिसेप्टर्स क्या है, तो एज एग्जांपल मान लो कोई चीज़ अगर उंगली पर टच हो रही है ना, तब हमें एहसास तो हो रहा है, पता चल रहा है कि कोई टच हुआ यहाँ पर। अगर कोई पीछे से भी पीन करे तब भी पता चल जाता है हमें। तो ऐसी तो कोई चीज़ है स्किन के ऊपर जिससे हमें मैसेज मिल रहा है बॉडी को, है ना। उसी तरह मान लो कोई स्मेल, अगर अंधेरे में भी रख दिया ना किसी को हम, तो कोई चीज़ मान लो कोई स्मेल आ रही है तब भी पता चल जाएगा हमें। तो ऐसी कोई चीज़ होगी ना नोज़ के अंदर, तो वो उसे क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, रिएक्ट कर रहा है उसके सामने। तो ये सारे रिसेप्टर्स हैं। तो स्किन के ऊपर मतलब बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ क्या हो रहा है, बॉडी रिएक्ट या रिस्पॉन्स कर रही है या मैसेज मिल रहा है, वो सारी जगह पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो क्या कर रही है, हमारी बॉडी को मैसेज सेंड कर रही है ना कोई ऐसी चीज़। तो लेकिन मान लो नाखून या हेयर, तो वहाँ पर टच करने पर पता चलेगा कुछ? तो नो, मतलब वहाँ पर वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैसेज बॉडी तक सेंड करे। तो ऐसी चीज़ जो मैसेज बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो कितने रिसेप्टर्स है, सेंस ऑर्गन्स भी बोलेंगे इसे हम। तो हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स है, टोटल 5 है। एक नंबर ईयर, इसे कौन सा रिसेप्टर बोलेंगे बोलो, इट्स कॉल्ड दी फोनो रिसेप्टर्स। इसे क्या बोलेंगे, ईयर के अंदर जो रिसेप्टर्स है उसके लिए फोनो रिसेप्टर्स बोलेंगे इसे हम। कान के अंदर हमारे ईयर तीन पार्ट्स में है ना, एक्सटर्नल, मिडल एंड इंटरनल। तो ये फोनो रिसेप्टर्स इंटरनल ईयर के अंदर है, एक्सटर्नल पर नहीं है। ओके, तो इंटरनल ईयर पर फोनो रिसेप्टर्स है जो मैसेज कहाँ ले जाते हैं, ब्रेन तक ले जाएंगे। उसी तरह सेकंड रिसेप्टर कौन सा, हाँ एक और काम होता है ईयर का, बैलेंस ऑफ दी बॉडी। तो कान के अंदर इंटरनल ईयर में फ्लूइड होता है, तो वो फ्लूइड क्या करता है, बैलेंस ऑफ बॉडी करता है, वो भी याद रखना। तो ईयर का काम क्या है, दूसरा एक तो हियरिंग है और दूसरा बैलेंस दी बॉडी। अगर मान लो चकडोल में बैठ गए तुम्हें ना, कार्ट में एकदम घूम रहा है स्पीड से, उसके बाद वापस नीचे उतर जाओ तो क्या होगा, बॉडी तो घूमती रहेगी। तो उस वक्त क्या हो रहा है पता है, ईयर के अंदर जो फ्लूइड है ना वो भी घूमता रहता है कॉन्स्टेंट। जब हम रुक जाते हैं तो हम रुक गए लेकिन वो फ्लूइड तो घूम रहा है, तो उसकी वजह से ही क्या हो रहा है, हमारा बॉडी का बैलेंस नहीं हो रहा वो फ्लूइड की वजह से। ओके, फ्लूइड की वजह से बॉडी का बैलेंस नहीं हो रहा। सेकंड नंबर करना, पोज करना, बंद मत करना। तो रिसेप्टर्स, ईयर का काम क्या है, क्लियर होना चाहिए हमें, फोनो रिसेप्टर्स, और दूसरा काम क्या है, बैलेंस दी बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, यस, ईयर कान बॉडी का बैलेंस करते हैं। अगर मान लो तुम्हारी बॉडी कंट्रोल में नहीं आ रही है तो उसे कंट्रोल करो, तो ये भी ज़रूरत है। सेकंड नंबर कौन सा रिसेप्टर है बॉडी में, आई, इसे हम क्या बोलेंगे बोलो, इट्स कॉल्ड दी फोटो रिसेप्टर्स। मतलब लाइट से सेंसिटिव है ये, जैसे लाइट आएगा उस तरह रिस्पॉन्स करेगा वो। तो आई कौन सा रिसेप्टर है, आई में कौन से रिसेप्टर होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स है इसमें, और काम तो सबको पता है। ओके, फोटो रिसेप्टर्स का। थर्ड नंबर में रिसेप्टर्स कौन सा है बॉडी का सेंस ऑर्गन, स्किन। चलो स्किन में कौन से रिसेप्टर होंगे, थर्मो रिसेप्टर। तो थर्मो रिसेप्टर टेम्परेचर सेंसिटिविटी भी मेजर करेंगे।
स्किन से पता चलेगा ना, यस ठंडी है कि गर्मी है। तो इसे थर्मो क्यों बोल रहे हैं? तो थर्मो किससे रिलेटेड? हीट से रिलेटेड वर्ड है। तो अगर मान लो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो स्किन उसे आसानी से रिस्पॉन्स कर सकती है। तो थर्मो रिसेप्टर कहाँ पर है? स्किन में है। नेक्स्ट उसके बाद नोज में कौन से रिसेप्टर है? फॉर नंबर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो नोज के अंदर ध्यान रखना, नोज के अंदर जैसे ही स्मेल के मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं तो वहाँ पर ऑल्फैक्टरी जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है ना उसे रिसीव करेंगे और ऑल्फैक्टरी नर्व ही ब्रेन तक पहुँचाती है उसे। तो नोज से एक ऑल्फैक्टरी नर्व है जो हम पढ़ रहे हैं आगे, तो ऑल्फैक्टरी नर्व उसी से उसका नाम दिया हुआ है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो नोज में कौन से रिसेप्टर है और क्या डिटेक्ट करेगा ये? स्मेल डिटेक्ट कर सकता है। थर्ड लास्ट फिफ्थ कौन सा है? टंग। तो इसमें कौन से रिसेप्टर हैं? टंग में कौन से रिसेप्टर है? गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या डिटेक्ट करेंगे? टेस्ट डिटेक्ट करेंगे। गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो, तो मान लो ये टंग के ऊपर छोटे छोटे रिसेप्टर्स हैं, स्मॉल बर्ड्स बोलते हैं उसे, रिसेप्टर्स बर्ड्स बोलते हैं, और वो डायरेक्टली ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। ओके यहाँ पर टेस्ट बर्ड्स है टंग के ऊपर और उसका कनेक्शन ब्रेन के साथ है। तो फिफ्थ नंबर टंग, और क्या डिटेक्ट करेगा ये? टेस्ट डिटेक्ट करेगा। तो टोटल कितने रिसेप्टर्स है हमारी बॉडी के अंदर? सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स है। यस कई बार बोलते हैं हम सिक्स सेंस ऑर्गन्स है ना किसी में, सिक्स सेंस। तो सिक्स सेंस का मतलब क्या होगा? जो आसानी से कोई भी चीज़ें समझ लेता है, कोई ऑर्गन नहीं है वो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जिसका पावरफुल होता है उसे बोलते हैं यस, उसका सिक्स सेंस बढ़िया काम करता है। तो कोई ऑर्गन नहीं है तो सभी के अंदर कितने रिसेप्टर्स होंगे या सेंस ऑर्गन्स होंगे? टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स या 5 रिसेप्टर्स हैं। तो कई बार एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ये, टंग में कौन सा? गस्टेटरी। नोज में कौन सा? ऑल्फैक्टरी। दूसरे तो समझ में आ जाएंगे तुम्हें, फोनो रिसेप्टर्स या फोटो रिसेप्टर पता चल जाएंगे। चलो नेक्स्ट उसके बाद नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में कितने पार्ट्स में डिवाइड है? कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड करेंगे नर्वस सिस्टम में? तो नर्वस सिस्टम में चलो दो टाइप की नर्वस सिस्टम होती है बॉडी में। एक तो कौन सी? CNS एंड PNS। तो नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड है हमारी पूरे बॉडी में, एक तो CNS और दूसरा PNS। CNS मतलब क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा कौन सा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल पार्ट्स में बॉडी में कौन से ऑर्गन्स आते हैं वो ऑर्गन्स इंक्लूड करेंगे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। एक नंबर कौन सा? ब्रेन। और सेकंड नंबर कौन सा? स्पाइनल कॉर्ड। ओके तो मान लो एज एग्जांपल ब्रेन है और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये बॉडी की CNS बनाती है। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएगी, सबके अंदर है। ओके नेक्स्ट PNS में कौन आएगा? तो ब्रेन से नर्व्स निकल रही है समझना, और पैर में निकलेगी, ऐसा नहीं है यहाँ से जो निकल रही है वैसी एक नर्व्स यहाँ पर निकलेगी, और इसे हम क्या बोलेंगे? इट्स कॉल्ड दी क्रैनियल नर्व। और कितनी पैर्स है ये टोटल? 12 पैर्स होती है क्रैनियल नर्व्स। तो ब्रेन से बहुत सारी नर्व्स निकल रही है, वैसे 12 पैर्स निकल रही है, वे आगे जाकर वापस डिवाइड हो रही है, और पूरे पार्ट्स में कान तक, आँखें, नोज, टंग, इवन स्किन, हर जगह पर उसके नर्व्स पहुँच रही है समझना। ओके ब्रेन से नर्व्स निकल रही है और वही मैसेज को ब्रेन तक ले जाती है। तो ये सब किस में इंक्लूड करेंगे हम? PNS में। तो कौन सी नर्व्स है ब्रेन से निकलने वाली? क्रैनियल नर्व। तो एक नंबर PNS में क्या इंक्लूड करेंगे हम? इट्स कॉल्ड दी क्रैनियल नर्व। और दूसरी उसी तरह स्पाइनल कॉर्ड तो सेंटर में, लेकिन रिसेप्टर्स तो स्किन यहाँ तक है ना, सेंसिटिविटी तो यहाँ तक होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड से ऐसी नर्व्स और निकलती होगी जो हमारी यहाँ तक पहुँची हुई है।
समझ रहे हो ना, कोई ऐसी चीज़ तो है जो यहाँ ये टिप वाले पार्ट्स तक पहुँची हुई, इसी तरह पाँव में भी टिप वाले पार्ट्स तक पहुँची हुई है। तो स्पाइनल कोड से निकलने वाली नर्व्स को क्या बोलेंगे हम? स्पाइनल नर्व्स। तो स्पाइनल नर्व्स कितनी होगी बॉडी में? 31 pairs. तो स्पाइनल नर्व्स होती है 31 pairs. तो PNS किससे बनेगा? क्रैनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व से बनेगा। और कितनी पैर से क्लियर होनी चाहिए ये? तो नर्वस सिस्टम, हमारी पूरी बॉडी की नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे हम, एक CNS और दूसरा PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड करेंगे हम? एक तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उसमें से निकलने वाली क्रैनियल नर्व्स, ब्रेन से निकलने वाली क्रैनियल नर्व्स है, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स है, और पूरे बॉडी में नेटवर्क की तरह फैली हुई है ये सारी नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स एंड क्रैनियल नर्व्स पूरे बॉडी में नेटवर्क की तरह फैली हुई है, और जहाँ जहाँ सेंसिटिविटी है मान लो, या बॉडी रिस्पॉन्स या फील कर रहे हो तुम्हें ना, तो वहाँ पर नर्व सेल्स पहुँची हुई है। तो अब चलो नर्व, एक और पॉइंट ले लेते आगे। एज एग्जांपल मान लो ये जो नर्व है ना वो किससे बनी हुई है? तो नर्व किससे बनी हुई होंगी ये सारी, या ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड किससे बना हुआ है? तो ये नर्व सेल से या न्यूरॉन से बना हुआ है, समझना। ब्रेन के अंदर 99% नर्व सेल्स है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नर्व सेल्स है, तो ये किससे बना हुआ है? तो उसका स्मॉलेस्ट पार्ट पूछ रहा हूँ मैं तुम्हें, तो उसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? नर्व सेल, या तो इट्स कॉल्ड न्यूरॉन कह सकते हैं हम। तो नर्व सेल्स या न्यूरॉन, तो नर्व सेल क्या है? इट इज़ अ स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? नर्व सेल्स या तो न्यूरॉन। अब उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो मान लो हम नर्व सेल्स को जूम करके देख रहे हैं, तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा उसका? छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, तो उसमें सबसे सेंटर वाला पार्ट्स होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? इट्स कॉल्ड दी स्टार शेप के अंदर जो है वो, इट्स कॉल्ड दी सेल बॉडी। नेक्स्ट, सेल बॉडी से बहुत सारे स्मॉल फाइबर्स निकलते हैं, इट्स कॉल्ड दी डेंड्राइट्स, और उसी से सेल बॉडी से एक लॉन्ग फाइबर निकलता है, इट्स कॉल्ड दी एक्सॉन है, और वो एंड एक टर्मिनल पार्ट्स में हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? नर्व एंडिंग। तो तीन पार्ट्स है यहाँ पर नर्व सेल्स के अंदर। फर्स्ट कौन सा? एक तो सेल बॉडी, दूसरा, अरे सॉरी, फर्स्ट कौन है? डेंड्राइट्स। सेकंड नंबर सेल बॉडी, एंड थर्ड नंबर एक्सॉन। तो नर्व सेल्स में तीन पार्ट्स है, कौन कौन से क्लियर होना चाहिए? ओके, फर्स्ट डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या है? तो सेल बॉडी से निकलने वाले फाइबर जो शॉर्ट है और मैनी नंबर में होते हैं, जबकि एक्सॉन क्या है? लॉन्ग फाइबर है सेल बॉडी से निकलने वाला और सिंगल है। अब यहाँ पर एक और चीज़, चलो सेल बॉडी जो है ना उसमें न्यूक्लियस भी होता है और इवन उसमें ग्रैन्यूल्स भी होती है छोटी सी, इट्स कॉल्ड द निजल्स, ग्रैन्यूल्स बोलते हैं उसे। तो सेल बॉडी में क्या है? न्यूक्लियस है, यस, तो ये न्यूक्लियस है, और दूसरा क्या है इसमें? निजल्स, ग्रैन्यूल्स है। देन उसके बाद, तो लिख ही लेता हूँ मैं यहाँ पर, इट्स कॉल्ड न्यूक्लियस, और ये क्या है? निजल्स, ग्रैन्यूल्स। सेकंड, अब जो एक्सॉन है ना, ऐसा ओपन नहीं है, तो एक्सॉन के ऊपर लिपिड का लेयर होता है, तो लिपिड से एक लेयर बना हुआ होता है, किसके ऊपर? एक्सॉन के ऊपर, लेकिन वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, देखना यहां पर है ना, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, बीच में गैप है। तो ये जो लेयर बना हुआ है ना एक्सॉन के ऊपर, इट्स कॉल्ड दी माइलिन सीथ बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे? इट्स कॉल्ड माइलिन सीथ, जो कवरिंग है उसे क्या बोलना है हमें? माइलिन, या मेड्यूलेटेड सीथ भी बोलते हैं उसे। लेकिन देखो ये सीथ कंटिन्यूअस नहीं है ना, बीच में क्या है? गैप है। अब उसका इंपॉर्टेंट क्या है ना, वो 11th में पढ़ोगे तुम,
इसका मीनिंग क्या होता है, ओके। और लास्ट में आ जाओ वापिस, जो एक्सॉन है किसमें टर्मिनेट हो रही है, एक्सॉन टर्मिनेट जो हो रही है इट्स कॉल्ड लास्ट वाला पार्ट जो, उसे क्या बोलेंगे हम, नर्व एंडिंग, इट्स कॉल्ड द नर्व एंडिंग। अब समझो, चलो एज एग्जांपल स्किन के ऊपर है ना, कहीं पर भी हम हल्की सी पेन कर रहे हैं तब भी मैसेज तो कैरी कर रहा है ना वो, तो ऐसी तो कौन सी चीज़ है नर्व सेल्स में जो मैसेज को कैरी कर रहा है, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल स्टिम्यूली को और वो एक्सेप्ट कर रहा है, एक्वायर कर रहा है इन्फॉर्मेशन, तो कौन यहाँ से इन्फॉर्मेशन एक्वायर कौन करेगा, तो डेंड्राइट्स। इसका मतलब क्या हुआ, उंगली उंगली की टिप के ऊपर क्या फैला हुआ है, बहुत सारे डेंड्राइट्स फैले हुए, समझ रहे हो ना, डेंड्राइट्स हर जगह पर फैले हुए, इसीलिए तो अगर हल्का सा भी टच हो रहा है तो डेंड्राइट्स क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर रहा है। तो डेंड्राइट्स का काम क्या होगा बोलो, एक्सटर्नल जो स्टिम्यूली है वहाँ से इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करना, तो सारी इन्फॉर्मेशन एक्वायर कौन करेगा, डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स मैसेज को कैरी कर रहा है। अब मैसेज यहाँ से कहाँ जाएगा, सेल बॉडी में, तो सेल बॉडी का काम क्या है, मैसेज को आगे पास करना, एक्वायर इन्फॉर्मेशन, जो डेंड्राइट से मैसेज आए वो मैसेज सेल बॉडी से वो क्या कर रहा है, एक्सॉन की तरफ पास कर रहा है। अब मैसेज कहाँ पर जा रहा है, एक्सॉन से मैसेज नर्व एंडिंग तक पहुँचेगा। अब यहाँ पर नर्व सेल्स के अंदर मैसेज जो पास हो रहा है वो कौन से फॉर्म में हो रहा है, और बहुत स्पीड से होगा मैसेज, कितना स्पीड से, हल्का सा टच करो तब भी पता चल गया, मतलब मैसेज समझो कितनी स्पीड से पास हो रहा है बॉडी में। तो यहाँ पर जो मैसेज पास होता है ना वो इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में होता है, मान लो वायर है और वायर के अंदर करंट कितनी स्पीड से पास होता है, उसी तरह नर्व सेल के अंदर मैसेज कौन से फॉर्म में पास होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बोलते हैं उसे। तो मैसेज कौन से फॉर्म में पास होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के फॉर्म में मैसेज पास होता है, ओके। तो मैसेज कौन से फॉर्म में पास हो रहा है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में पास हो रहा है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मैसेज पास होता है एकदम स्पीड से। बहुत सारी मूवी में देखा होगा तुमने ना कि बॉडी एकदम एक्टिव होती है और अंदर है ना जैसे करंट फैल गया हो ना वैसे, ऐसे मूवी में दिखाते हैं कई बार, एकदम बॉडी में जोश आ गया, साउथ की बहुत सारी मूवी में देखा होगा शायद, बॉडी में एकदम जोश आ जाता है, इंटरनल पार्ट्स बताती है और बॉडी में ना करंट फैल गया और बॉडी एकदम एक्टिव हो जाती है, तो मैसेज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मैसेज पास होता है। अब ध्यान रखना, अब नर्व्स के अंदर तो बहुत सारे, अब बंद करना, तो यहाँ पर तो बहुत सारे नर्व सेल्स होंगे ना, छोटे छोटे नर्व सेल्स, समझना यहाँ पर, तो मान लो मैंने तो एक ही नर्व सेल बनाया, ये ऐसे तो बहुत सारे नर्व सेल्स होंगे इस तरह कनेक्टेड, तो एक नर्व सेल से मैसेज दूसरे नर्व सेल्स तक पास होगी ना, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैसेज को एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स तक पहुँचाती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना अभी यहाँ पर, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैसेज को एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स तक पहुँचाएगी। तो अब एज एग्जाम्पल मान लो, ये नर्व सेल्स है एक, ओके ध्यान रखना, आगे कौन है, ये डेंड्राइट्स ना, अभी तक मैसेज कौन से फॉर्म में पास हो रहा था, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के फॉर्म में मैसेज पास हो रहा था। इवन ये जो गैप है ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है ना उसे जंपिंग कंडक्शन भी बोलते हैं, तो मतलब मैसेज कैसे पास होता है, जंप करके पास होता है, कंटिन्यूस फॉर्म में पास नहीं हो रहा, और उससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है जो गैप है ना उसकी वजह से। और दूसरा ऊपर जो कवर है ना ये, वो क्या वो कर रहा है, मैसेज है ना स्प्रेड ना हो जाए बाहर, तो उसे पकड़ के रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है मैसेज को। तो चलो यहाँ पर एक नर्व सेल से अब दूसरे नर्व सेल्स के बीच में मैसेज कैसे पास होता है ना वो समझना है हमें। तो एक नर्व सेल्स का कौन सा पार्ट है ये, नर्व एंडिंग। अब दूसरा नर्व सेल ले लेते हम यहाँ पर, तो एक नर्व सेल और दूसरे नर्व सेल्स के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, समझना, एक नर्व सेल्स और दूसरे नर्व सेल्स के बीच में फिजिकली अटैचमेंट नहीं है, इस तरह अटैच नहीं है दोनों नर्व सेल्स। तो यहाँ पर है क्या वो समझना, तो एक गैप दिख रही है ना तुम्हें, किसके बीच में गैप दिख रही है तुम्हें, दो नर्व सेल्स के बीच में गैप दिख रही है तुम्हें। अब देखो यहाँ पर ये एक नर्व सेल का कौन सा पार्ट से नर्व एंडिंग है,
और दूसरे नर्व सेल्स का कौन सा पार्ट से? डेंड्राइट से. दे आर नॉट डायरेक्टली फिजिकली अटैच. डायरेक्ट फिजिकली अटैचमेंट नहीं है दोनों के बीच में, मतलब एक गैप है. अब ये गैप को क्या बोलेंगे? तो ये गैप को हम बोलने वाले हैं सिनेप्स. इट्स कॉल्ड दी. तो ये गैप को क्या बोलेंगे हम? सिनेप्स बोलेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सिनेप्स. तो व्हाट इज अ सिनेप्स? और सिनेप्स कहाँ पर है? बिटवीन टू नर्व सेल्स. लेकिन आंसर बिटवीन टू नर्व सेल्स नहीं लिखेंगे हम. तो बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन सेल्स एंड डेंड्राइट्स ऑफ सेकंड नर्व सेल्स. द गैप इज प्रेजेंट बिटवीन देम. इट्स कॉल्ड द सिनेप्स. अभी तक मैसेज कैसा पास हो रहा था नर्व एंडिंग तक? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ना. अब मैसेज कैसे पास होगा ना, वो समझना है. अब मैसेज यहाँ से केमिकली फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा. कैसे वो देखो. अब ये नर्व एंडिंग वाला जो पार्ट है ना, मैं उसे जूम कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ. ओके, नर्व एंडिंग वाला पार्ट है ये. तो ये कौन सा पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं? नर्व एंडिंग. और सामने क्या बता रहा हूँ? डेंड्राइट्स बता रहा हूँ. ये डेंड्राइट्स है. तो नर्व एंडिंग के अंदर वेसिकल्स होती है छोटी सी इस तरह. इट्स कॉल्ड दी न्यूरोट्रांसमीटर. केमिकल होता है उसमें. यहाँ से मैसेज तो यहाँ तक तो पहुँच गया ना. मैसेज तो यहाँ तक आ गया. कौन से फॉर्म में मैसेज आया? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मैसेज आया था. अब मैसेज यहाँ से, यहाँ पर जो वेसिकल्स है ना, उसमें एक केमिकल होता है. इट्स कॉल्ड द न्यूरोट्रांसमीटर. केमिकल्स बोलेंगे उसे. और कौन सा केमिकल है वहाँ पर? एसिटाइल कोलाइन. कौन सा? एसिटाइल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर है. जैसे ही मैसेज यहाँ पर आया, ये जो वेसिकल्स है ना, वो रप्चर हो जाएगी. रप्चर होने के बाद क्या होगा? टूटेगी ये. और यहाँ से ये केमिकल कहाँ जाएगा? दूसरे नर्व सेल्स के डेंड्राइट्स तक जाएगा और मैसेज को पास करेगा वो. तो एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स तक मैसेज कौन से फॉर्म में ट्रांसफर हुई? अब केमिकल के फॉर्म में. तो मैसेज कैसे ट्रांसफर होता है? एक तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म और दूसरा कौन सा? केमिकल फॉर्म में. तो ये दोनों वर्ड याद रखना. और सिनेप्स कहाँ पर है? बिटवीन टू नर्व सेल्स. और एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स में मैसेज इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, जबकि पूरे नर्व सेल्स में मैसेज कौन से फॉर्म में ट्रांसमिट होगा? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कंडक्ट होगा वो. तो ये था पूरा टॉपिक. एक बार स्पीड से वापस चलो. चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. स्टिम्यूली क्या है? जिससे हमारी बॉडी एकदम एक्टिव एक्टिवेट होगी. उसके सामने क्या करेगी? रिस्पॉन्स करेगी या रिएक्ट करेगी. वो सारे क्या? एक्सटर्नल एक्सटर्नल फैक्टर्स स्टिम्यूली कहेंगे, जैसे कि लाइट, हीट, कोल्ड या साउंड. हमारी बॉडी जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, उसके लिए हमारी बॉडी में दो सिस्टम है. कौन सी? एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरी एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हॉर्मोन्स या केमिकल्स लिख सकते हो तुम. आ जाओ रिसेप्टर्स. बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स है? टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स होंगे. ओके, नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. एक CNS है और दूसरा PNS है. CNS में कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. जबकि PNS में क्रैनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व. क्रैनियल नर्व कितनी है? टोटल 12 पेयर्स है. जबकि स्पाइनल नर्व्स कितनी होगी? 31 पेयर्स होगी. अब नर्व सेल्स क्या? इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ दी नर्वस सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? न्यूरोन या तो नर्व सेल. तो नर्व सेल का स्ट्रक्चर, तो नर्व सेल के स्ट्रक्चर में मेनली तीन पार्ट्स है. डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन है. ओके, तो डेंड्राइट्स का काम क्या है? एक्वायर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल स्टिम्यूली. एक्सटर्नल स्टिम्यूली से क्या करेगा? वो मैसेज को एक्वायर करेगा. अब वो मैसेज कहाँ जाएगा? दूसरे पार्ट्स में सेल बॉडी. सेल बॉडी में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, निजल्स ग्रैन्यूल्स भी होती है. वहाँ से सेल बॉडी से मैसेज क्या होगा? पास एक्सॉन में पास होगा. अब एक्सॉन के ऊपर देखो कवरिंग लेयर है, उसे हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलेंगे. और एक्सॉन किस में टर्मिनेट हो रहा है? नर्व एंडिंग में टर्मिनेट होगा. यहाँ तक जो मैसेज पास हुआ वो कौन से फॉर्म में मैसेज पास हो रहा है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मैसेज पास हो रहा है. लेकिन जैसे ही एक सेल से दूसरे नर्व सेल में मैसेज पहुँचना है, तो उस वक्त क्या होगा? तो बीच में उसमें कोई फिजिकली अटैचमेंट नहीं है डायरेक्टली, तो वहाँ पर एक गैप है. वो गैप को क्या बोलेंगे हम? सिनेप्स. तो सिनेप्स क्या है? द गैप बिटवीन द टू नर्व सेल्स. या ऐसे भी लिख सकते हैं, वन नर्व एंडिंग ऑफ द वन नर्व सेल्स एंड डेंड्राइट्स ऑफ द सेकंड सेल डू नॉट डायरेक्टली अटैच एंड देयर स्मॉल गैप इज प्रेजेंट. इट्स कॉल्ड द सिनेप्स. अब यहाँ पर सिनेप्स में मैसेज कैसे ट्रांसमिट हो रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट है. तो नर्व एंडिंग के अंदर क्या होती है?
न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स होती है जिसमें कौन सा केमिकल है, एसिटाइल कोलाइन केमिकल होता है। जैसे ही मैसेज यहाँ तक पहुँचा ये रप्चर होगी, फट जाएगी, और यहाँ से केमिकल कहाँ जाएगा, डेंड्राइट्स में जाएगा। तो यहाँ पर दो नर्व सेल्स के बीच में मैसेज कौन से फॉर्म में ट्रांसमिट हुआ, केमिकल के फॉर्म में मैसेज ट्रांसमिट हुआ। तो ये था नर्व सेल्स। ओके स्टॉप कर दो।